वाली आप भी अपने घर में सारी नेगेटिव एनर्जी को दूर करना चाहते हैं और अपने घर में अच्छी सुगंध खुशबू फैलाना चाहते हैं ना गाइस, तो आप बना सकते हैं ये गाइस की एक ऐसा नेचुरल परफ्यूम है ना जो आपके घर में पॉजिटिव वाइब्स को लेके आएगा। तो यहाँ पे ना ये भगवान जी के कुछ फूल थे जो सूख गए हैं, आप लोग देख सकते हो। तो उन फूलों को ना हम फेंकते नहीं है, हम ना थैली में इकट्ठा करते हैं और आपके लेके चलती हूँ आपको कि हमने बनाया कैसे। तो चलिए आइए। तो गाइस यहाँ पे ना ये फूलों को हम इस गर्म कढ़ाई में हल्का सा रोस्ट करेंगे और रोस्ट करने के बाद इसको ग्राइंड कर लेंगे। तो बहुत हल्की तरीके से मैंने फूलों को अच्छे से रोस्ट कर लिया है। सो गाइस फूल जो है ना वो अच्छे से रोस्ट हो गए, आप लोग देख सकते हैं। और रोस्ट होने के बाद अब मैं आपको बताती हूँ कि हम कैसे बनाने वाले हैं इसको। सो गाइस ये इसको हम मेज पोछ की तरह भी यूज कर लेते हैं कभी कभी। तो अच्छे से फूलों को रोस्ट करने के बाद फिर ग्राइंडर में ग्राइंड करेंगे बहुत अच्छे से। और बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि इसमें हम गीली चीज पीस सकते हैं या नहीं, तो गाइस मैं आपको बता दूँ इसमें ना हम लिक्विड चीजें नहीं पीस सकते हैं, सिर्फ सूखी चीजें ही पीस सकते हैं। मम्मी से खिलवाते हैं। स्टॉप कर दिया। सो गाइस अब हम इसे ना फूलों को रोस्ट करने वाले हैं यहाँ पे। और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना अभी रोस्टिंग में ही गाइस, पूरा घर अभी गुलाब की खुशबू से महक रहा है। सिर्फ मैंने अभी गर्म कढ़ाई करके सिर्फ रोस्ट किया है। और जैसे थोड़े से फूल रोस्ट हो जाएंगे ना फिर आपको इसमें कपूर डाल देना है कुछ इस टाइप से और अच्छे से रोस्ट। और गाइस अभी इतनी अच्छी धीमी धीमी खुशबू आ रही है, लोग देख सकते हैं कितने अच्छे से रोस्ट हो गया है। ले लिया है यहाँ पे एक मिट्टी का बर्तन, क्योंकि मिट्टी के बर्तन में ना एक अलग ही खुशबू और महक आती है। तो यहाँ पे मैंने इसके ऊपर ये अपना रोस्टेड डाल दिया है। आप चाहे तो इसके ऊपर ना थोड़ा सा देसी घी या फिर जिस भी तेल की खुशबू आपको बहुत अच्छी लगती है ना वो भी लगा सकते हैं। तो ये इसमें फूल हमने डाल दिया, अब हम इसमें छोटा सा कपूर जला के रख देंगे गाइस। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं अब ये धीरे धीरे करके जलने लगेगा। और आपके घर में जहाँ पे भी आपको बहुत ज़्यादा स्मेल लगती है या फिर लगता है कि नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है तो वहाँ इसे जला के रख दीजिए। और अभी भी इसकी खुशबू इतनी अच्छी आ रही है ना गाइस, तो मैं इसे अपनी लॉबी में रखूँगी, क्योंकि मेरी लॉबी ना मेन कॉमन है हमारे घर में। जो भी आता है ना एंटर करता है, चाहे वो मेहमान हो चाहे गेस्ट हो हमारे घर पे, तो वो यहाँ से आते हैं। तो इसे हम अपने घर की यहाँ बिल्कुल मेन गेट पर रखेंगे, जिससे जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है ना वो हमारे घर से बाहर ही रहेगी। वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। आज कुछ नया ट्राई करा है और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, पूरे घर में महक रही है। तो गाइस आप लोग भी अगर ये ट्राई करें ना मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय।